हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर चैनल एनएस नॉलेज एजुकेशन ऑफिशियल। दोस्तों, हम अपने आज की इस टेली के वीडियो में जानेंगे क्रेडिट सेल की एंट्रीज को करना, क्रेडिट सेल की इनवॉइस को बनाना, और दोस्तों जब आप क्रेडिट सेल कर देते हो तो आप किस तरीके से उनकी एंट्रीज रिसीव भी करोगे, और दोस्तों उसके बाद आप उनके ड्यू डेट्स को किस तरीके से कैलकुलेट करोगे। अगर आपका 30 दिन हो, 60 दिन हो, तो दोस्तों आप उनको किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ताकि आपको टैली के, टैक्सेशन के, एमएस ऑफिस के इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियोस दोस्तों, जिनको देखने के बाद आपके काम में और भी आसानी होगी। चाहे आप एक एज एन अकाउंटेंट काम कर रहे हो, टैक्स प्रैक्टिशनर काम कर रहे हो, चाहे आप कोई भी अकाउंट्स में काम कर रहे हो, एक्सेल पर काम कर रहे हो, दोस्तों सारे ही वीडियो यूजफुल है। दोस्तों, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। दोस्तों, सीखने से ज्ञान बढ़ता है, और ज्ञान से दोस्तों हमारे लाइफ में गेन होता है और हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो को। दोस्तों, टैली ईआरपी 9 में सबसे पहले हमको कुछ लेजर्स क्रिएट करने होंगे कंपनी के बाद, जैसे कि नॉर्मल लेजर्स हम क्रिएट करते हैं। दोस्तों, उनकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हो कि बेसिक लेजर्स किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं और उनमें एंट्रीज किस तरीके से कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों हमको क्रेडिट सेल समझना है। क्रेडिट सेल को समझने के लिए हमने लेजर में एक लेजर बनाया है। चलिए अल्टर ऑप्शन में यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे जीनियस प्राइवेट लिमिटेड। हमने इसको अंडर में रखा है 70 डेटर्स के। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। दोस्तों, आपको ड्यू डेज वगैरह कैलकुलेट करने के लिए, बिल को कंटिन्यू वन बाय वन बिल को मेंटेन करने के लिए इस ऑप्शन को आपको इनेबल करना नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों चलिए आप इसको यस कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, अगर आपका कंफर्म है कि ये पार्टी को आपको 30 दिन ही देना है या 60 दिन के हिसाब से ही देना है, तो आप यहाँ पर उसकी क्रेडिट डेट्स को आप फिल कर सकते हो। नाउ दोस्तों इसको एंटर करेंगे, कंप्लीट डिटेल आप ऐसे फिल कर लेंगे, GSTI नंबर वगैरह, किस टाइप की पार्टी है, रजिस्ट्रेशन टाइप किस तरीके से, उन सारी डिटेल को आप ऐसे फिल करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं हमारे डिस्प्ले में, इसके पार्टी के लेजर में, जो कि हमने इसकी ऑलरेडी यहाँ पर पार्टीज की एंट्रीज पास करी हुई है उनको देख लेते हैं। हम यहाँ से टोटल इसकी एंट्रीज को ओपन कर लेते हैं। हमने 2 जून को इसकी तीन एंट्रीज हमने यहाँ से पास करी है। एंटर करते हैं रिफ्रेश नंबर 4। जीनियस पार्टी का नाम क्या है? जीनियस प्राइवेट लिमिटेड। सेल्स अकाउंट, प्रोडक्ट का नेम दोस्तों, जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट हो, क्वांटिटी हो, रेट हो, दोस्तों मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एंट्री पास कर दी है, ताकि आपका ज़्यादा समय ना जाए और आप इस वीडियो को सीख कर इसका आउटपुट को अपने काम में यूज़ कर सके। CGST, SGST दोस्तों हम इसको चार्ज कर लेंगे। मैंने यहाँ पर सेल्स अकाउंट को अंडर में रखा है, मैं वो सारी बातें यहाँ पर क्लियर कर दूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे, हम इसको अंडर में रखेंगे सेल्स अकाउंट। जो भी आपका लेजर का रेट ऑफ टैक्स होगा दोस्तों, हम होम यहाँ पर ले लेंगे सेल टैक्सेबल 12% के रेट से, एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है, एक्सेप्ट करते हैं। प्रोडक्ट की डिटेल दोस्तों हमने यहाँ पर लिया है, प्रोडक्ट को प्राइमरी में रखा है, पीसेस में रखेंगे। दोस्तों जो भी इसका आपका HSN कोड वगैरह होगा आप यहाँ से फिल कर लीजिएगा। मैंने इसको ब्लैंक रखा है सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका जो भी दोस्तों आप फिल कर दीजिए, बहुत नेसेसरी है GST में। दोस्तों इसके एक्सेप्ट करते हैं। दोस्तों क्वांटिटी वगैरह डालेंगे, रेट वगैरह डालेंगे, हम यहाँ से CGST और SGST के लेजर्स को क्रिएट करेंगे। इन सारे के ऊपर दोस्तों ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना दिए, ताकि आप इनको देखकर नॉलेज गेन कर सको और समझ सको, और काम को सही तरीके से आप टैली में मेंटेन कर सको। दोस्तों ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रखेंगे CGA, बिकॉज ये हमारी ड्यूटी है, हमको पे करना है टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। दोस्तों अंडर में रखेंगे GST, जो कि CGST नाम से पता चलता है कि सेंट्रल टैक्स है। दोस्तों 0% में रखते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑल भी रेट ऑफ टैक्स के एंट्रीज हो सकती है, इसके लिए हम जो टैक्स टाइप है उसको एक ही रखेंगे, ताकि हमको जब इसका आउटपुट और इनपुट को हमको देखना होगा कि क्या इसका एडजस्टमेंट है, तो ये हमको सिंपली CGST और SGST और IGST में मिले, ना कि 18% CGST 12% SGST इस तरीके से। उस तरीके से भी आप दोस्तों कर सकते हो, मगर बेटर ये है कि आप इसको 0% में रख के इस एंट्री को एक्सेप्ट कीजिए। सेम दोस्तों SGST को भी आप रखेंगे, और इस लेजर को भी हम यहाँ पर GST चार्ज करके एक्सेप्ट कर लेंगे। नाउ दोस्तों इसी तरीके से हमने यहाँ पर सारी एंट्रीज पास करी है। अब दोस्तों क्रेडिट सेल का मतलब क्या, हमने तो इसको यहाँ पर क्रेडिट सेल पर दिया है, हमने ड्यू डेज रखा है 30 डेज। अब मान लीजिए कि आपने सेल तो कर दिया, अब आपको ये दोस्तों यहाँ पर आपको ये 2 जून को, कितने जून को दोस्तों, हम यहाँ पर ये बार बार ये विंडोज सामने आ रहा है, 2 जून दोस्तों इसने आपको एक पेमेंट करी, यानी कि आपको रिसिप्ट आई, पार्टी का नाम जीनियस, एग्जाम्पल 5000 रुपीज अगेंस्ट रेफरेंस। देखिए दोस्तों 6 जून में जिसने भी आपने इनवॉइसेस बनाए हैं उनकी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। दोस्तों एक और एंट्री वहाँ पर नहीं आई, क्यों नहीं आई, देखिए हमने टोटल यहाँ पर सेल लेजर में कितने एंट्रीज पास करी है,
लेजर में चलते हैं जीनियस। देखिए दोस्तों यहाँ पर टोटल जो सेल्स की एंट्रीज है हमारे पास वो टोटल 4 है, ये 2 जुलाई की लास्ट वाली है। ये क्यों नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम 2 जुलाई की एंट्री में रिसीप्ट की एंट्री कर रहे हैं। एग्जांपल हम अभी 2 जुलाई में है और हम उसकी एंट्री कर रहे हैं, तो 2 जुलाई का तो ये बताएगा नहीं, ये आपको जून का ही बताएगा। जिस डेट तक आप कर रहे हो उसके पहले के बिल जो पेंडिंग है वो बताएगा नहीं। अगर मैं 1 अक्टूबर को करता हूँ तो ये सारी डिटेल बताएगी, 1 अक्टूबर के बाद की नहीं बताएगी, क्योंकि हम जिस डेट में है उसके आगे तो अगर इनवॉइस ही नहीं पास करेंगे तो उसकी क्या डिटेल वो बताएगा दोस्तों। ना दोस्तों स्किप करते हैं अकाउंटिंग वॉचर अकाउंटिंग में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर मिलते हैं जीनियस 5000 रुपीज। अगर दोस्तों हमने यहाँ पर इसकी डेट रख दी होती 1 सितंबर, देखिए दोस्तों अगर 1 सितंबर रखेंगे तो जितनी भी एंट्रीज 1 सितंबर से पहले पास हुई होगी तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर शो कर देगा। देखिए अभी ये 2 जुलाई की भी आ गई, यानी कि ये डेट से पहले हुआ है ना, ये अभी 1 सितंबर है, ये इसकी डेट से पहले है ना दोस्तों। हम एग्जाम्पल अभी यहाँ पर 2 जून ही ले रहे हैं, हम एग्जाम्पल समझते हैं कि हम 2 जून में ही है। जितने भी आपने एंट्रीज पास करी होगी उसकी पेंडिंग बिल्स की डिटेल आपके सामने आ जाएगी। पहले बिल के सामने एग्जांपल ये पेमेंट कर रहा है 4 जो आपका रेफरेंस नंबर था वो 2 जून का 487,000 के सामने सिर्फ 5000 ही दे रहा है। कोई बात नहीं, हम इसको ले लेंगे। देखिए ड्यू डेट्स के सामने आ गए, 30 डेज की ड्यू डेट थी। कैश ले लेते हैं दोस्तों, बींग जो भी नरेशन हो आपका, बींग पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। अब चलते हैं इसके लेजर में और देखते हैं इसका इफेक्ट। अकाउंट्स बुक में चलेंगे, जीनियस ऑल्ट F2। देखिए दोस्तों अभी आपके सामने एक एंट्री बता रही है 5000 रुपीज की और सारी डिटेल है। अब हम इसको कैसे चेक करेंगे कि कितना आउटस्टैंडिंग है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा ऑल्ट बी, शॉर्टकट की है ऑल्ट बी, अगर आप माउस से प्रेस करेंगे तो बिल वाइज पे क्लिक कर लीजिए। ऐसा दोस्तों आपके सामने एक पेंडिंग बिल्स का एक विंडो ओपन हो जाएगा लेजर वॉचर आउटस्टैंडिंग के नाम से। एज वाइज करेंगे, शॉर्टकट की है F6। एजिंग बाय बिल डेट यानी बिल डेट के हिसाब से हम देखेंगे तो 30 डेज हमने यहाँ पर इसको बिल डेट के हिसाब से पकड़ने को कहा है। तो देखिए आपके सामने एक और विंडो ओपन हो गई, यानी कि सारे ही बिल आपके 30 डेज के अबव हो चुके हैं। आप अभी 1 अक्टूबर में हो और सारे बिल 30 दिन के ऊपर हो चुके हैं। ऑल्ट F1 दोस्तों में से प्रेस करेंगे, देखिए आपके सामने एक रिसिप्ट आ चुकी है 5000 रुपये की। कौन सी बिल थी? 2 जून की बिल थी, इनवॉइस नंबर 4 था। आपका 5000 रुपये आ चुका है। जब आप ऑल्ट F1 डिटेल को हटाइए, अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो ओपनिंग बैलेंस कितना था, 487,782.40। कितना बैलेंस अभी बता रहा है पेंडिंग बिल में, 482,782.40। अभी यानी कि जो मोर देन हो गया 30,000 वो कितना है, 482,782। यानी कि इसका अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो 5,000 इसने लेस कर दिया जो कि आपने एंट्री ले ली थी ना दोस्तों। इस तरीके से आप इसकी सारी डिटेल को मेंटेन कर सकते हो। मैंने तो एक पार्टी का बताया, सेम आप दोस्तों परचेज के लेजर में भी कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों ABC क्रेडिटर्स, यहाँ पर आपने एक परचेज किया है, ठीक है, यहाँ पर अभी आपका कोई ओपनिंग नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री को परचेज किया है। ऑल टाई करते हैं, हमने परचेज किया था, हम इसको पेमेंट करेंगे दोस्तों। कौन है ये? ABC क्रेडिटर्स। कितना पेमेंट करते हैं? 10,000 रुपीज। देखिए उसके सामने ये बता रहा है कि 10,000 रुपीज का है, लेकिन आपने शायद इसमें एक ऑप्शन इनेबल नहीं किया होगा, जिसके वजह से ये बता रहा है कि इसका जो डेट है। देखिए हमने यहाँ पर डिफॉल्ट क्रेडिट एड्रेस नहीं मेंशन किया है, हम यहाँ से 30 दिन ले लेते हैं और इसको एक्सेप्ट करते हैं सारी डिटेल फिल करके। 10,000 रुपीज है, अगेंस्ट रेफरेंस देखेंगे तो आपके सामने अमाउंट है 10,080 का, जिसके अगेंस्ट में सिर्फ 10,000 रुपये पे कर रहा है। बैंक या जो भी कैश है आप ले लीजिए यहाँ से, केनरा बैंक में हम ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर माइनस में क्यों बता रहा है, बिकॉज बैंक में पैसे होने चाहिए पहले बैंक को पेमेंट डेबिट करने के लिए, हमारे पास यहाँ पर बैंक में 10,000 नेगेटिव बता रहा है। तो ये तो मेरा समझाने के पर्पज से है, लेकिन आप इन सारी कॉमन सी चीज़ों पर ध्यान दीजिए। करंट बैलेंस कितना है? करंट बैलेंस 10,000 रुपीज। क्रेडिट बैलेंस बता रहा है, यानी कि आपका नेगेटिव बता रहा है, बैंक में पैसे नहीं तो आपने पेमेंट कैसे किया। तो आप बैंक रिकंसिलेशन कीजिए ताकि ये सारी मिसमैच से आप बच सके। दोस्तों इसकी वीडियो की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं किस तरीके से हम बैंक रिकंसिलेशन कर सकते हैं। एक्सेप्ट करते हैं दोस्तों, सारी डिटेल बैंक एलोकेशन की फिल कर लेंगे, बैंक की डिटेल की वीडियो में मैंने सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन किया था, एक्सेप्ट करेंगे दोस्तों। देखिए अभी आपका 80 रुपीज़ बाकी है, ये आपका क्रेडिट बैलेंस हो गया 80 रुपीज़। आप यहाँ से ऑल्ट बी कीजिए, यहाँ से आप एज वाइज कीजिए दोस्तों।
देखिए ये अभी आपका, आपने कब एंट्री पास करी है? 1 अक्टूबर को ही पास करी, 1 अक्टूबर की पेमेंट आ गई, यानी कि लेस देन 30 डेज है। तो आपको बता रहा है कि आपने, आपकी जो टोटल इनवॉइस की वैल्यू कितनी थी, 11,760, जिसमें से 10,000 की पेमेंट आ चुकी है। 1,660 का हमने यहाँ पर डेबिट नोट इशू कर दिया था, हमने इसके पहले वाली वीडियो में इसके बारे में देखा था। दोस्तों अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को वॉच कीजिए, किस तरीके से हम डेबिट और क्रेडिट नोट की एंट्रीज भी पास कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो क्रेडिट सेल के बारे में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सारों को भी वीडियोस बताइए ताकि उनके काम में आसानी हो और वो भी आगे गेन कर सके। दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक्स, शुक्रिया। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।